everyone, welcome to the Be Pro Smart. Today we are going to discuss the inquiry letter. इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट और पूरा मेथड, द बेस्ट मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू एंड विद सम इम्प्रेसिव सेंटेंसेस विच यू कैन यूज इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग एंड इवन इन द मिडल एंड इवन द बॉडी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I request you all, please, 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 like our video and subscribe the channel. Thank you. So, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is the inquiry letter, कि inquiry letter होता क्या है. Then, its purpose, उसका क्या purpose है. फिर marking scheme, ठीक है. Marking scheme मतलब letter में कैसे paper में marks मिलते हैं. मतलब कुछ लोग सोचते हैं ना कि दैट हम लोग फॉर्मेट लिख के आ जाएंगे एंड वी विल गेट द हाफ ऑफ द मार्क्स, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. तो उस वो मार्किंग स्कीम भी देखेंगे. देन वी विल डिस्कस द टॉपिक्स, वो टॉपिक जिन पे हम लोग इंक्वायरी लेटर हमसे पूछा जाता है और जिन पे हमको लिखना होता है. उसके बाद हम लोग एक सैम्पल लेटर भी देखेंगे कि क्या इंक्वायरी लेटर का एक. उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस, मतलब कुछ इंप्रेसिव सेंटेंसेस लिखेंगे जो कि आप हर इंक्वायरी लेटर में यूज़ कर सकते हैं. So, start the video. So, the inquiry letter is a formal letter written to inquire and get details regarding something that a person interested in. मतलब inquiry letter क्या है, एक तरीके ये formal letter है, उसी के type है, मतलब formal letter है, official letter है. और इसको हम लोग लिखते हैं कोई भी information अगर हमको चाहिए, ठीक है, details चाहिए. जैसे कि हमें कोई trip पे जाना है तो जो टूरिज़म कंपनी है जो भेजती है उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, या अगर हमको एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके बारे में पता करना है कि उसकी क्या फ़ीस है वगैरह वगैरह, जो भी पता करना है उसके बारे में हम जो लेटर लिखते हैं उसको इंक्वायरी लेटर कहते हैं, ठीक है. तो अब इसके देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इंक्वायरी मतलब पूछा गया है एग्जामिनेशन में और आता रहता है हमेशा, उन टॉपिक्स को देखते हैं. तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है. इंक्वायरी लेटर इज़ अ फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर रिटन टू इंक्वायर एंड गेट डिटेल्स रिगार्डिंग समथिंग दैट अ पर्सन इंटरेस्टेड इन. मतलब देखो इंक्वायरी लेटर है उसको हम किस लिए लिखते हैं, मतलब इंक्वायर करने के लिए, पता करने के लिए, जांच करने के लिए. अगर हमको किसी चीज़ की डिटेल्स चाहिए तो जैसे कि हमें टूरिज़म कंपनी हमें ट्रिप पे जाना है, हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमको टूरिज़म कंपनी को लेटर लिखेंगे, उसकी उसकी क्या स्कीम्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा उसके बारे में जानने के लिए हम लोग ये लेटर लिखेंगे उस कंपनी को, ठीक है, उस कंपनी के ऑनर को, मतलब जो भी है. और अगर हमको कोई एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करनी है, जिम ज्वाइन करनी है, कुछ भी जिसके बारे में हमको पता करनी है, उसकी क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, जो भी डिटेल्स पता करनी है, तो उसके लिए जो लेटर हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं इंक्वायरी लेटर, ठीक है. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हमको इंक्वायरी लेटर पूछा जाता है, ठीक है. टॉपिक्स है हमारे आस्किंग अबाउट फॉर टेकिंग एडमिशन इन अ कोर्स. अगर हमको किसी कोर्स का एडमिशन लेना है उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है, कोई जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर आ सकता है. नेक्स्ट इंक्वायरिंग अबाउट सम वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में कुछ हमें डिटेल्स चाहिए तो भी हम इंक्वायरी लेटर को लिखते हैं. और नेक्स्ट अगर राइटिंग द टूरिज़म कंपनी, जैसे कि हमने पहले बताया कि किसी पैकेज टूर पैकेज वगैरह के बारे में पता करना है तो हम जो टूर कंपनी को जो लिखते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, टूर इंक्वायरी लेटर, ठीक है. सो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग लिखेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ज़्यादा नंबर आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे लेटर की जो मार्किंग स्कीम होती है किसी भी लेटर के, नॉट ओनली इंक्वायरी लेटर, किसी भी लेटर की कैसे की जाती है, फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है वो 1 मार्क्स का होता है, ठीक है. अगर आप सिर्फ फॉर्मेट पेपर में लिख के आते हो, आपका फॉर्मेट सही है, देन यू विल गेट 1 मार्क्स. फिर कंटेंट, कंटेंट के होते हैं 4 मार्क्स, ठीक है. कंटेंट में आपको देखते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आप अपने आइडियाज़ को सही से यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं यूज़ कर पा रहे हो, आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, तो ये सब आपके कंटेंट में देखा जाता है, ठीक है. तो मैं आपको इस अभी नेक्स्ट आगे वीडियो में आगे चल के आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी, इंप्रेसिव सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि आप किसी भी लेटर में यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर अ वेरी वेल मार्क्स. ओके, वही एक्सप्रेशन कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आइडियाज़ को और अपने अपने कंटेंट को, मतलब कैसे जो आप सोच रहे हो, थिंकिंग यू आर, आप उसको सही से लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, आपका लैंग्वेज क्या है, स्किल्स क्या हैं, वो सब आपके लेटर में पता चलना चाहिए, ठीक है. तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं.
उसका फॉर्मेट, फिर उसके बाद एक सैम्पल लेटर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि हर वीडियोस में आप यूज़ कर सकते हैं उसको देखेंगे. ओके देखो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो फॉर्मेट है तो हमारा फॉर्मेट इस तरीके से है. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हर फॉर्मेट फॉर्मल लेटर में लिखते हैं सेंडर्स का एड्रेस, मतलब जो भेज रहे हैं, मतलब हम अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है. देन उसके बाद अपने एड्रेस के बाद फिर वन लाइन एक लाइन छोड़ करके फिर डेट लिखेंगे. देखो डेट का जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से लिखना है, जैसे फुल जो मंथ है उसको पूरा लिख दो, या तो आप सिक्स को आगे लिख दो या पीछे लिख दो, ये मैटर नहीं करता, बट या पूरा ईयर और पूरा ये वैसे इसी AUG नहीं लिखेंगे, पूरा अगस्त 6, 2020, ठीक है, पूरा लिखेंगे. उसके बाद फिर वन लाइन फिर से छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर से रिसीवर का एड्रेस, मतलब जिसको आप भेज रहे हो ना उसका एड्रेस एंड डेजिनेशन, ठीक है, उसका फिर मतलब जिसको भेज रहे हो उनका भेज रहे हो उनका एड्रेस और उनका डेजिनेशन क्या है, ठीक है. फिर हम लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये ऐसे करके लिख सकते हैं. फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो हमारा पूरा टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक ये क्लियर करना चाहिए, जो हमारा पूरा कंटेंट जो हम लेटर में लिखने वाले हैं ना वो हमको एक लाइन में ये सब्जेक्ट में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस बारे में लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है. एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप 12 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी, जो बॉडी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, जो तीन पैराग्राफ्स में थ्री पैरा में डिवाइडेड है, जैसे कि हर लेटर में होता है, हर फॉर्मल लेटर में है. सबसे पहले इंट्रो, फिर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, कि हमको जिसकी डिटेल्स चाहिए उसके बारे में, ठीक है. और नेक्स्ट फिर हम जो सेकेंड जो मिडल पैरा है, जो हम लोग का मिडल पैरा, ये सारे डिटेल्स कंटेन करेगा. नेक्स्ट जो थर्ड है, जो लास्ट है, ये मतलब पूरा कंक्लूड करना है. इस लास्ट पैराग्राफ में आप जो सेंडर जो जिसको भेज रहे हो उस पर्सन नेक्स्ट पर्सन से आप क्या चाहते हो, ठीक है, कि कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो वो सब इसमें लिखें. इसी पैराग्राफ में हम लोग ये भी लिखेंगे कि हाँ प्लीज़, मतलब कि जितना जल्दी हो सके एज सून एज़ पॉसिबल आप हमको रिप्लाई करेंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब. नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग, फिर हम लोग क्लोजिंग में क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे योर सिंसियरली, योर फेथफुली, फिर अपना नाम मतलब सिग्नेचर, देन इट्स ओके, फिर ऑल इज़ ओवर. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग अब इसका एक फटाफट सैंपल देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी जो सेंटेंसेस है जिसको आप हर लेटर में यूज़ कर सकते हैं उनको. ये है हमारा सैंपल लेटर, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं. और इसमें बस एक ये हुआ है कि जो सैल्यूटेशन है सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन की जगह पे लिखना है, बिकॉज अब चेंज हो गया इस पैटर्न में, ठीक है, इसलिए देख लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में कोई भी इंक्वायरी लेटर दे दे हमको, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी ना कि आप कुछ लाइंस ना लर्न कर लो, बिकॉज ऐसा क्या होता है कि एग्ज़ाम में अचानक से लेटर लिखना हो तो कुछ दिमाग में रहता नहीं है, ताकि फिर से क्या होगा आप कुछ एक दो लाइन स्टार्ट करेंगे देन फिर तो सब कुछ फिर माइंड में आने लगता है. सो देख लेते हैं सबसे पहले कैसे लिखेंगे. फर्स्ट है आई एम राइटिंग टू इंक्वायर और आस्क अबाउट, ठीक है, मैं लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ टू इंक्वायर, ये पता करने के लिए, ये पूछने के लिए. नेक्स्ट आफ्टर हैविंग सीन योर एडवर्टीजमेंट इन दिस इन सो एंड शो न्यूज़पेपर, मैंने इस न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टीजमेंट देखा, उसके बाद आई वुड लाइक टू आस्क ये वो फलाने में, जो ये मतलब आपको पूछना है उसके बाद आप लिख सकते हो अपने सोच के. नेक्स्ट विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज़ द स्टेटेड, इट इज़ टू बी स्टेटेड दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, इन सो एंड शो, मतलब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये स्पोर्ट्स में ये चाहता हूँ ये उसकी, तो ये स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट एंड डेटेड, वही सेम सिमिलर उस तरीके से ही है, बट हाँ लाइन्स थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हो. नेक्स्ट आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, मैं बहुत ही ओबलाइज्ड फील करूँगा अगर आप मुझे बताएंगे, इफ़ यू ले बी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट, अगर मुझे आप इस चीज़ के बारे में बताएंगे मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी एंड ऑल दैट, कि अगर आप मुझे इस कोर्स के बारे में बताएंगे. तो देखो इन सब लाइन्स को आप स्टार्टिंग में यूज़ करोगे ना, ये अच्छा इफेक्ट डालता है आपको, जो रीडर पढ़ेगा ना उसको लगेगा या अच्छा कंटेंट आगे और अच्छा कंटेंट लिखने वाला है, उसके माइंड में ये रहता है, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड जो पैराग्राफ है जिसमें हम लोग को डिटेल्स लिखनी होती है उसको हम लोग देख लेते हैं. हमारा जो बॉडी के जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किस उसके मिडल में भी कैसे कैसे मतलब कोई सेंटेंस, इन सब सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो. आई वुड लाइक टू नो द प्रोसीजर,
ऑफ एडमिशन ऑफ एंड द फीस टाइमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, मतलब उस कोर्स के बारे में जो वो चीज़ें पता करनी है ना ऐसे करके आप ले सकते हो. आई वुड लाइक टू नो द प्रोसीजर फीस, मतलब ऐसे जो भी चीज़ें पता करनी है ऐसे ले सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, इन एडिशन टू दिस आई वुड लाइक आई वो इन एडिशन टू दिस वुड यू लेट मी नो दिस दिस दिस. ठीक है, नेक्स्ट की इसके एडिशन में आप मुझे ये भी चीज़ें बता दीजिए भैया. काइंडली प्रोवाइड मी सो एंड सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ देने का कष्ट करें. नेक्स्ट फोर्थ है, बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, कोर्स को जानने से पहले मैं ये चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी क्या क्लासेस कैसे होंगी, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या फ़ीस कैसे लोगे, इंस्टॉलमेंट में लोगे कैसे लोगे, ये सारी चीज़ें आप ना पूरा और मैं कहानी वाने जो भी पूछना है ना, जो भी मन में आ रहा है वो पूछ. जैसे कि हम कहीं भी, जैसे कि आपको खुद, आप जैसे बताइए आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना होगा तो आप कैसे बात कैसे खुद कर, जैसे बात में पूछते हो ना खुद से, अभी फ्रेंड से पता करना है, किसी रिलेटिव से पता करना है कि हाँ मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना था, तो कोई आपको बताएगा पर्टिकुलर कोचिंग में किसी का भी नाम, तो उसमें आप कैसे क्या क्या पूछ क्या क्या जानना चाहोगे, वो सब चीज़ें आप इस लेटर में ऐसे करके लिख सकते हैं इस बॉन्ड ने इस सेकेंड पैराग्राफ में. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड पैराग्राफ जो कि हमारा जो क्लोजिंग है वो कैसे करेंगे, कंक्लूजन सॉरी क्लोजिंग नहीं कंक्लूजन, कंक्लूड कैसे करेंगे उस पैराग्राफ में. ठीक है, नेक्स्ट बॉडी का जो थर्ड पैराग्राफ है जिस कंक्लूजन, उसमें हम लोग कौन कौन सी लाइन यूज़ कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं उसको. फर्स्ट है, आई वुड अप्रिसिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, मतलब मैं आपकी जो जल्दी से जल्दी जो आप एक्शन लेंगे उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, मैं अप्रेस करता हूँ. ठीक है, तो मतलब पहले ना थोड़ी बटरिंग तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो रिप्लाई करेगा जल्दी. नेक्स्ट, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. आई लुक फॉरवर्ड मतलब मैं देखता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी भाई हमारा रिप्लाई कर दें मैसेज का जितना जल्दी पॉसिबल हो सके. नेक्स्ट, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू टेक द क्विक एक्शंस. I would be pleased, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी to receive the particulars as earliest as possible. ठीक है, जो भी मैंने information चाहिए, मेरे को जो भी information चाहिए उसका जल्दी से जल्दी आप reply कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. ठीक है, इसके बाद फिर next, फिर last में, तो जैसे कि हम लोग closing कैसे करते हैं, वही your sincerely, your obediently नहीं लिखेंगे, योर सिंसियरली योर फेथफुली अंडर डेड, फिर अपना नाम, फिर बस, फिर उसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे, और क्या, फिर थैंक यू, स्माइली बन जा नहीं बन रही, थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड या प्लीज़ गाइस जो मिस मतलब जो भी सजेशन देना चाहें सो प्लीज़ कमेंट भी दो. एंड हाँ, आई वुड मैं ये भी चाहूँगी कि आपकी खुद की जो कुछ लाइन्स है ना, जैसे कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे जो मैंने कुछ अपनी तरफ से दो तीन लाइनें बताई हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ लाइनें तीनों पैराग्राफ में अगर बताना चाहें तो प्लीज़ आई विल बी वेरी हाईली ओबलाइज्ड अगर आप शेयर करें. सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.